Assalamualaikum and welcome to Wild Rush. आज मैं मौजूद हूँ सिंध के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे मौजूद है हमारा स्पेशल, बहुत स्पेशल कंटेंट, हमारा आज का सब्जेक्ट जिसके लोग पोचिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और ये समझते हैं कि उसकी कीमत लाखों में, करोड़ों में है और उसमें छोटे कोबरा जितना जहर है और इसी वजह से बाज एरिया में उसको मार दिया जाता है। तो एक्सपर्ट्स की मदद से हमने उसको इस एरिया में ढूंढ निकाला है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। तो हमारे आज के कंटेंट को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। अगर हमारे साथ एक्सपर्ट्स नहीं होते तो हम उसको कभी भी नहीं ढूंढ सकते थे। तो मिलिए हमारे आज के खूबसूरत कंटेंट जिसका साइंटिफिक नेम है यूब्लिफेरस माइक्यूलेरस, मतलब के हमारी लीपर्ड गीको। इसको दो घड़िया छिपकली भी कहते हैं, इसको चीता छिपकली भी कहते हैं क्योंकि इसका पैटर्न जो है चीते जैसा होता है। इसको फैट टेल गीको भी कहा जाता है, इसको स्पॉटेड फैट टेल गीको भी कहा जाता है क्योंकि इसके टेल के ऊपर काफ़ी सारे ब्लैक धब्बे स्पॉट होते हैं। और इसको बिस कोबरा भी कहा जाता है, मतलब कि छोटा कोबरा, क्योंकि लोग समझते हैं कि इसके अंदर छोटे कोबरा जितना जहर होता है। इसका ताल्लुक यूब्लिफेराई फैमिली से है। इसकी 7 सब स्पीशीज़ हैं। पाकिस्तान में 40 से 41 स्पीशीज़ की गीकोस पाई जाती हैं और इसका साइज़ बाकी तमाम गीकोस से बड़ा होता है। आप इसको इंडिया में, पाकिस्तान में, ईरान में और नेपाल में देख सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की पथरीली जगहों पर, सेमी डेजर्ट एरिया में जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हों, छोटे पत्थर हों और वहाँ पे बड़े बड़े सुराख हों, आप इसको वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मेल का साइज़ फीमेल की निस्बत बड़ा होता है। फीमेल हमारी 7 से 8 इंच तक लेंथ में होती है जबकि मेल 7 से 11 इंच तक हो सकता है। बाकी कॉमन गीकोस की तरह ये छिपकली जो है दीवारों के ऊपर या किसी और सरफेस के ऊपर चढ़ नहीं सकती क्योंकि इसके पैर के नीचे स्टिकिंग पैड या स्टिकिंग हेयर नहीं होते। एक और तरीके के ज़रिए आप मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं। इनको उल्टा करने पे आपको मेल के क्लोइका के पास छोटे छोटे पोर, छोटे छोटे सुराख नज़र आएंगे जबकि फीमेल की क्लोइका के पास सुराख नहीं होते। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि अगर करूँगा तो ये जो अपनी टेल को उतार देगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अभी आप ये जो खूबसूरत येलो टेक्सचर के साथ हमारी गीको देख रहे हैं, ये अडल्ट है। जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा बड़े ब्लैक स्पॉट होते हैं, येलो पैटर्न कलर जो है वो कम होता है। तो लीपर्ड गीको को आप बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं। एक तो आप इसके स्माइली फेस से आप इसको पहचान सकते हैं, दूसरा इसके कलर पैटर्न टेक्सचर के ज़रिए आप इसको पहचान सकते हैं और तीसरा इसकी मोटी स्पॉटेड टेल के ज़रिए जो है, फैट टेल जो है इसके, आप इसके ज़रिए इसको पहचान सकते हैं। टेल इसके जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ये इसको बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करती है। जैसे हमारा ऊँट जो है हम्प में अपने फैट्स, पानी को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे उसी हम्प से फैट लेता है, पानी लेता है। हमारी लीपर्ड गीको भी इसी तरह अपनी टेल में फैट्स को स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से अपने फैट लेती रहती है। ये ख़तरा महसूस होने पे, डिस्टर्ब करने पे अपनी टेल को तोड़ भी देती है लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद अपनी टेल को रीजनरेट भी कर लेती है। लेकिन इसकी बाद में आने वाली जो टेल है पहली टेल की तरह लंबी नहीं होती, छोटी होती है और थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो इसी वजह से इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो मार्च से जुलाई तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। एक फीमेल पत्थर के नीचे या ज़मीन के ऊपर ही 2 से 4 अंडे देती है जिसमें से 10 से 17 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये कि अंडों से निकलने वाला बच्चा अगर 26 से 29 डिग्री के टेम्परेचर में हैच हुआ है तो वो हमारा मेल होगा, और अगर बच्चा 34 से 36 के टेम्परेचर में हैच होता है तो वो हमारी फ़ीमेल होगी क्योंकि फ़ीमेल हमेशा हाई टेम्परेचर में हैच होती है। तो बच्चों की पेरेंटल केयर नहीं होती,
ये इंसेक्टिवर्स होते हैं, छोटे ग्रास हॉपर्स को, बीटल्स को, लार्वास को, सेंटीपेड्स को, ब्लाइंड स्नेक्स को, इवन कि ये अपने ही बच्चों को भी खा जाती हैं। इन शॉर्ट, एक लीपर्ड गीको दूसरी लीपर्ड गीको को खा सकती है, लेकिन ये मरी हुई चीज़ों को नहीं खाती। हमेशा ये मूव करती हुई, हिलती हुई चीज़ों को झपट्टा मार के, चबा चबा के खा लेती है, और ये अपनी ज़ुबान से अपने आईलिड्स को साफ़ कर लेती है। इनकी आंखें हर तरफ मूव कर सकती हैं। अगर इनके लाइफ टाइम लाइफ स्पैन की बात करें तो 9 से 15 साल तक ये ज़िंदा रह सकती हैं। इनकी तादाद को ख़तरा सबसे ज़्यादा इंसानों से है, क्योंकि इंसान इनकी पोचिंग करते हैं, इनकी स्मगलिंग करते हैं, इनको महंगे दामों में बेचने के लिए सेल करते हैं, और इसको ख़तरनाक समझ के, जहरीला समझ के मार देते हैं। अगर आप इसको स्मगल करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माने के साथ आपको 3 से 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, लिहाजा आपने ये काम करने से परहेज़ करना है। अगर इसके नेचुरल प्रेडेटर्स की बात करें तो फॉक्सेस, मॉनिटर लिजर्ड, स्नेक्स, आउल्स, फैल्कन, काइट्स इसके नेचुरल प्रेडेटर्स, शिकारी हैं। ये अपने शिकारियों से बचे रहने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहला तरीका ये कि अपना मुँह खोल के एक डरावनी सी आवाज़ निकालती है, और दूसरा तरीका ये कि ये बदबू भी छोड़ती है। तीसरा सबसे मेन तरीका ये कि ये अपनी टेल को तोड़ के भाग जाती है। इसकी टेल टूटने के बाद 30 मिनट तक हिलती रहती है, तो इसका शिकारी इसकी टेल के पीछे लगा रहता है और ये छुपके से स्पीड के साथ भाग जाती है। ये थी यूबलीफेरस माइक्यूलेरस लीपर्ड गीको चीता छिपकली 2 घड़िया के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ये कितनी जहरीली है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का। रिलीज़ करने से पहले एक छोटी सी पप्पी और। बाय बाय।